मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से शराब को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बनी हुई है। अब नई आबकारी नीति में शराब की ऑनलाइन बिक्री पर प्रस्ताव तैयार किया गया है और फिलहाल ये ड्राफ्ट वाणिज्यिक कर और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास पहुंच चुका है। यहां से मंजूरी के बाद इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इस नीति को फरवरी में मंजूरी देनी होगी क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक दो तीन ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा, मैं तो शुरू से कहता हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर घर राशन भले ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। शराब प्रेमी शिवराज सरकार में कोरोना महामारी से भी भले धार्मिक स्थल बंद रहे, व्यापार व्यवसाय बंद रहे, शादी के आयोजन नहीं हुए, कर्फ्यू रहा, लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक निर्बाध रूप से चालू रही। एक तरफ तो बातें कभी शराब बंदी की, कभी शराब की दुकानों को कम करने की, कभी शराब के खात्मे की होती है, लेकिन दूसरी तरफ काम निरंतर शराब के व्यवसाय को बढ़ाने का होता है। कभी शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव और अब होम डिलीवरी की तैयारी। कमलनाथ के ट्वीट के बाद सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है कि शराब बंदी या दुकानें बढ़ाने को लेकर शिवराज पर विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।